पहली मस्जिद है, अभी भी कॉन्ग्रीगेशंस होती हैं? उन्हें वो कुछ भी लेकिन बाहर उस तरह का, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कांस्टेंट एक अंडर प्रेशर थ्रेट तो है। मिसाल के तौर पर ड्यूटी की थी, हर नमाज पे 20 मिनट पहले हर लोगों ने, स्पेसिफिक लोगों ने आना है, उन्होंने आके ड्यूटी देनी है। वो बाद में चार बंदे खड़े हो जाएंगे बाहर, बाकी नमाज पढ़ेंगे चार, बाद में जाके अपनी नमाज पढ़ लेंगे चार पाँच। तो इसी तरह हर जगह CCTV कैमरे जो हैं वो प्रॉपर हमें करने हैं, रात को लाइट सिस्टम है, जनरेटर सिस्टम है कि रात को अंधेरा ना हो। तो ये थ्रेट तो है ना कॉन्स्टेंट कि मतलब आपको वॉच तो आप कर रहे हैं अपनी बैग को मुसलसल, और वो करते रहना, आपको करना पड़ता है। उस तरह आप बेखबर नहीं आप चल सकते कभी भी, हाँ कुछ भी हो सकता है। ये है, और अगेन वो पाकिस्तान में सबके साथ है जो नॉर्मल सिक्योरिटी की सूरत है, लेकिन अगेन आपको मसला वहाँ पे आता है जहाँ पे आपको यार ये स्टेट सपोर्टेड ना। मिसाल के तौर पर अभी अभी यही बात है कि आपकी किताबें जो हैं वो यहाँ पर, ये पीछे एक दुकान थी उनकी, अब वो नॉर्मल कम्युनिटी किताबें वहाँ पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ लें उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो CTD वाले आए, उन्होंने आके उनको गिरफ्तार करके ले गए। ही इज़ मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड, शकूर भाई उनका नाम है, और ही इज़ मेरे ख्याल पिछले 4-5 से ज़्यादा अरसे से वो जेल में है, वो 80 ईयर्स ओल्ड, और किस टेररिज्म एक्ट के तहत उन पर जो है वो मुकदमा हुआ है। तो वो थ्रेट तो आपको है क्या, मतलब आप हमारी लाइब्रेरीज हैं उन्हें अपनी किताबें नहीं रख सकते? हमारी लाइब्रेरी है यहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी, लेकिन हमने अपनी सारी किताबें उधर से उठा ली हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है। हमारे स्कूलों में हमारी किताबें नहीं पढ़ी हुई, जमाती किताबें, अब क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है, वी हैव टू ओबे द गवर्नमेंट। लेकिन ये परेशानी है, ये एक थ्रेट आपको ये तो है कि अच्छा यार वो मैं अपनी किताब के साथ पकड़ा गया या ये हो गया तो क्या करेगा मेरा बच्चा है, मतलब मैं उसे अपनी किताब नहीं पढ़ाऊँगा तो क्या करूँगा, मतलब हाउ वुड यू नो, मतलब व्हाट डू वी बिलीव, वो तो होना चाहिए ना। तो बहरहाल वो चीज़ है जो आप बात करें कि अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारी मेजॉरिटी है, हम यहाँ पे रह रहे हैं पीसफुली काफ़ी हद तक, लेकिन देर इज़ अ कॉन्स्टेंट वॉच, मतलब जो हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी वगैरह जो देख रहा है मुसलसल पीछे के हम नहीं कर सकते। हमारे ट्रिप्स वगैरह हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के जाने हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनमें छुट्टी होती है, छुट्टी आवर्स वो जो आवर्स हैं उनमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कर ली जाती है किसी भी ऐसे वाक्य से बचने के लिए। आप 84 में पाबंदी लगी कि जी आप लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल कर सकते, 84 में पाबंदी लगी कि इनका जो खलीफा है वो अपने लोगों से खिताब नहीं कर सकते, वो मतलब आप आई जब ये चीज़ें इतनी बंद हो जाएं कि आप यहाँ नहीं कर सकते, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहती है, या तो ये कि आपके पास इतना सब्र हो कि आप यहाँ पे रहें, या ये कि आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन अब जो खलीफा हैं उन्होंने तो मतलब पूरी जमात को लेके चलना है, वो खलीफा आपने एक तरह की खलीफा की ज़ुबान बंद कर दी है कि आप खलीफा कुछ भी, तो फिर कैसे चलाएंगे वो जमात को? तो ही हैड टू माइग्रेट, मतलब ही नेवर वांटेड, मतलब ही मतलब वो वहाँ पे रह रहे हैं 80 की ये मौजूदा हिसाब है 2003 में वो खलीफा बने, ही स्टिल हैज द पाकिस्तानी पासपोर्ट, ही स्टिल हैज द पाकिस्तानी नेशनलिटी, उन्हें अपनी नेशनलिटी नहीं छोड़ी, उन्हें अपना पासपोर्ट नहीं छोड़ा, वो इस खुशी में नहीं रह रहे कि मैं खुश हूँ, मतलब वही नो कि क्या हाउ मच ही हैज़ यर्ज कि मैं वापस आऊँ, किस तरह वो मिस करते हैं रवा को, रवा वाले जाएँ किस तरह वो पूछ रहे हैं क्या हो रहा है रवा में, क्या हाल है गलियों का, रक्षे वालों का क्या हाल है, इस तरह के मतलब अब वो कोई वहाँ पे रहना नहीं चाहता, पाकिस्तान को कोई नहीं छोड़ना चाहता, सिर्फ मजबूरी में जो है।